मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के आमदार अब्बू हाशिम आजमी ने ट्रांसफार्मर के उद्घाटन को लेकर शिवसेना ने जताया विरोध। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 135 के मानकुर के मंडाला में, जहां पर समाजवादी पार्टी के आमदार अब्बू हाशिम आजमी आज से 10 साल से लेकर अभी तक आमदार है, लेकिन इतने सालों में अभी तक लाइट की समस्याओं से जूझता रहा मंडाला को आज एक नई पहल मिल चुकी है और वहां पर लाइट के लिए ट्रांसफार्मर बिठा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आज लता मंगेशकर के मृत्यु के बाद आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उसी घोषणा को लेकर पूरे देश में सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन मानकुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार अबू हाशिम आजमी ने ट्रांसफार्मर के उद्घाटन के लिए अपने पूरे कार्यकर्ताओं के और बैंड बाजा के साथ में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने के लिए मानकुर में पहुंचे, जिसका शिवसैनिकों ने बड़ा विरोध किया। उसी विरोध के चलते ही आमदार अबू हाशिम आजमी ने अपना कार्यक्रम रद्द करके उल्टा पांव चल दिए। लेकिन वहां पर पहुंची पुलिस ने भी इस मामले को शांत कराया। देखिए क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं खबरें आज भी पर। वार्ड क्रमांक 135 की नगर सेविका समीक्षा सकरे व उनके कार्यकर्ताओं की जुबानी। खबरें आज जी आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज जानते हैं पूरा देश, इस देश का आज पूरे देश ने जो खोया है कल, उसका शोक हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के सदन में और पूरे महाराष्ट्र को छुट्टी देकर कि आज ये बहुत बड़ा दुखद पूरे देश में हुआ है। एक बहुत बड़ी हस्ती को हमने खोया है जिसका दुख पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे दिन पर जिसको खुद सीएम साहब ने आज शोकाकुल दिवस रखा है, आज ना कोई उद्घाटन कर सकते हैं ना कोई हम लोग कोई बड़ा काम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 135 की नगर सेविका सौ समीक्षा ताई सकरे और हमारे बीच राजा सारंग जी यहाँ पर उपस्थित है। हमें पूछना चाहते हैं कि इस जो उद्घाटन का इन्होंने आज रखा था, इसके बारे में आपका क्या बोलना? आपने बहुत सही बात कही। आज हमारे दत्ता दीदी का कल जो देहांत हो गया, उसके बारे में आज उनका दुखौटा दिन है। माननीय आमदार साहब भी सत्ता में है इस पार्टी में, मतलब जो गठबंधन में है, और वो होने के बावजूद भी यहाँ पे उद्घाटन रखते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक मतलब लोगों को एक अलग दिशा दिखाना देते हैं। इस जो ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में यहाँ के स्थानीय नगर सेविका सकरे मैडम ने बहुत कोशिश की है। हमारा उद्देश्य ये है कि आवाम को, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। आपने जो बात बताई बिल्कुल सही बात है कि आवाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं मैं, जो भाषण करना है, जिस बारे में बात करना है, और जब उद्घाटन के टाइम पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग उद्घाटन करने नहीं आए, हम यहाँ पे ये जो उद्घाटन है वो रोकने के लिए इसलिए आए कि इस देश के ऊपर इतना बड़ा आघात होने के बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग आमदार साहब को लेके यहाँ पे उद्घाटन जो कर रहे थे वो गलत है। यहाँ दुखौटा दिन है, लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी एक दुख भरी बात हुई है, और इसके बावजूद भी अगर यहाँ पे ऐसा कोई काम होता है तो ये गलत बात है। इसके लिए राजनीति करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, बहुत साल पड़े हैं, 11 साल तो 12 साल साहब को हो गए आमदार साहब को, तभी तक तो ये नहीं, मतलब यहाँ तक कुछ किया नहीं। और जैसा आपने बताया कि हम लोग यहाँ उद्घाटन करने हम नहीं आए, समाजवादी पार्टी के आमदार साहब यहाँ पे उद्घाटन करने के आए थे, और हम लोग खाली उनको ये बताने के आए थे कि भाई ये आज दुखौटा दिन है, आज आप उद्घाटन मत करो, उद्घाटन का जो बात है वो बाद में कर सकते, कभी भी कर सकते। हमारे बीच इसी तरह वार्ड क्रमांक 135 की नगर सेविका है, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने काफी काम इस वार्ड में किया है, और अभी भी आगामी चुनाव इस मुंबई में है, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि लोग आमदार साहब और कुछ भी लोग जो भी है उनको ये नहीं पता चला कि आज का दिन कौन सा है और क्या करने जा रहे हैं। हमारे बीच सकरे मैडम यहाँ पर उपस्थित है, हम पूछना चाहते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। आज लता दीदी जो अपने देश में, अपने महाराष्ट्र में, बम्बई में उनका नाम है, उन्होंने हमें सभी को अपनी अच्छी आवाज़ में गाना गा के सबको मंत्रमुग्ध किया है। ऐसी लता दीदी का कल देहांत हो गया, वो अजरमर
अमर हो गई। इस उनका दुखौटा महाराष्ट्र शासन ने आज एक दिन के लिए एक दिन के लिए आज दुखौटा रखा है। लेकिन दुखौटा मीन्स उस दिन राज्य शासन ने एक भी कार्यक्रम अपना रखा नहीं है। और इधर आमदारा वो भी हमारे यहाँ के मानपुर शिवाजी नगर के आमदार यहाँ आके ये ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, वो भी इतना जनसंख्या के साथ जो कोरोना की पाबंदी अभी भी है, और आमदार खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसा आप उद्घाटन इधर आके करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये उनको जो मालूम नहीं पड़ रहा है। और इतना आम आदमी के बीच इधर आके आमदार ऐसा काम कर रहा है तो ये बहुत ही गृहिणी ये मैं समझती हूँ, उसका मैं निषेध करती हूँ। क्योंकि क्या यहाँ मंडाले विभाग में गए 5 साल से मैं सबस्टेशन के लिए पूरा पाठ पूरा कर रही हूँ। आपको पता होगा लोअर चाल का जो रोड नंबर 1 का टॉयलेट जो है, जो महानगर पालिका का टॉयलेट था, यानी पहला आमदार के फंड से टॉयलेट वो बना था, लेकिन उसके बाद वो महानगर पालिका ने सब टॉयलेट अपने अंडर लेके वो लॉट 11 अंतर्गत पूरा उसका टॉयलेट का पूरा RCC में बांधकाम करके नगर सेवक के अंडर में ये टॉयलेट सब दिए गए थे। लेकिन ये टॉयलेट भी मैंने लोगों को, मुझे ज़्यादा टॉयलेट से भी ज़्यादा इधर की लोगों की लाइट की समस्या थी। वो लाइट की समस्या के लिए जो 3-4 जगह बताए गए थे पहले, जो जगह पे CRZ फॉरेस्ट का है ऐसा सब बताया जाता था जगह का, इसके लिए मंजूरी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने ये लोगों का ये सब कठिनाई देख के मैंने खुद, मेरी टॉयलेट की जगह थी वो आधी टॉयलेट और आधा सबस्टेशन के लिए जगह मैंने मंजूरी के लिए दे दिया, और मंजूर भी हो गई है, और सबस्टेशन अभी उधर बन रहा है। तो वो भी आमदार आके उधर उद्घाटन करने जा रहा है, यानी उनको जो खुद उन्होंने काम किया होगा उसका आप उद्घाटन करो ना। आप इधर पब्लिक 20-25 साल से आप 3 बार आमदार है, नगर सेवक आपका 2 बार था, लेकिन तभी कोई ये सुविधा उनको दिखाई नहीं दिए। आप चाहे तो इधर लोगों को पानी दे सकते थे, आप चाहे तो लोगों को इधर लाइट दे सकते थे, लेकिन इतना दिन से उनको वो नहीं आया। 5 साल में कभी आए क्या इधर सबस्टेशन के बारे में कभी बातचीत पब्लिक? लेकिन मैंने यहाँ आई तो 10 बार मेरे भाषण में बोला होगा कि मैं सबस्टेशन का काम कर रही हूँ, सबस्टेशन मंजूर कर रही हूँ, और केबल इधर जो रोड पे केबल डाला हुआ है वो भी मेरे कहने से अदानी ने डाला है, मेरे पर विश्वास रख के कि आगे सबस्टेशन अपने मंजूर हो रही है। इसके लिए एडवांस में केबल डाल के लिया, रोड का जब भी काम चालू था, पानी का जब भी काम चालू था, तभी एडवांस में केबल डाला है। ये आमदार ने डाला है क्या? फिर ये श्रेय लेने के लिए कैसे आते है? ये पब्लिक ने जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पूरा मालूम है और पब्लिक पे मेरा पूरा विश्वास है। मंडाले पे मैं रात को भी सोती हूँ तभी पब्लिक का ही सोचती हूँ। आधे रात को जब फोन मेरे को आता है 2-2.5 बजे तो भी मैं पब्लिक के लिए दौड़ के जाती हूँ। इधर आग लगती है तभी भी मैं दौड़ के जाती हूँ। तो इधर आज का दिन ये अच्छा नहीं था ना? नहीं, जो नहीं। आप शोक मना रहे हैं, लता दीदी जैसी महान ज्ञान कोकिला जो भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, ऐसे अनेक पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति का आप जब सम्मान नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही मेरे लिए निषेध है, शेम है। क्योंकि ये ऐसा होना, मैं बोलती हूँ कभी भी जनता सब कोई कुछ कर नहीं रहे, मैंने कोई उद्घाटन मेरा नहीं रखा है आज के दिन, तो ये कैसे आमदार रख सकते हैं? और वो भी ऐसा छुपे राजकारण, जब अभी इलेक्शन नजदीक आ गए तो आपको तो सबस्टेशन दिख रहा है उद्घाटन करने का, लेकिन वो सबस्टेशन मंजूर करने के लिए या उसको इधर लोगों को क्या क्या सुविधा चाहिए तो उसके लिए कभी आए क्या आप इधर पूछने के लिए? नहीं आए, कभी नहीं आए। आप पब्लिक ही जानती है कितना दिन, क्योंकि मैं आपके बीच में 5 साल रही हूँ, मुझे मालूम है पब्लिक का क्या दर्द है, क्योंकि मैं इधर रहती हूँ, मैं कुलाबा में नहीं रहती हूँ, मैं इधर रहती हूँ क्योंकि मैं दौड़ के आ सकती हूँ आपके लिए। कभी एक एक के घर में मेरा फोन है, एक एक महिला, एक एक जेंट्स मुझे फोन करता है, तो मुझे यही है ना, लोगों का इतना प्यार मेरे है, मेरे पक्ष पे, शिवसेना पक्ष पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब के ऊपर, युवा सेना नेता आदित्य जी साहब है उनके पर, तो ये सब काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हमारे बम्बई के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये जनता सब जानती है, पूरा धर्म के लोग, फिर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लोग जानते हैं हमारे शिवसेना पक्ष के पीछे है। धन्यवाद सक्रेताई, जैसा कि आपने सारी जानकारी दे ही दी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने खबरों के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं
कि जिस प्रकार आज पूरा देश शोकोमल में है, पूरा देश एकदम परेशान है कि ऐसी हस्ती हमने खो दी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वापस मिलना बड़ी मुश्किल है, जिसको देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज का दिन शोकाकुल घोषित किया। हम और एक सवाल हमारे मन में आता है मैडम कि अगर इनको पता नहीं है उसके पहले कैसे ये बैनर लग गए, कैसे ये सब चीजें प्रसिद्धि में आ गई, क्या अडानी के लोगों ने फोन किया या उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में, खाली थोड़े से शब्दों में बताइए। मुझे तो सुबह ही मालूम पड़ा कि रोड पे सब लोग जम गए, तो मैं बोली, एक तो मैं उद्घाटन का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन आज का दिन क्या है, काहे के लिए एक दिन छुट्टी रखा है, पूरा देश में छुट्टी क्यों रखी है, उसका तो थोड़ा तो रहना चाहिए ना। तो ये पहले दिन पुलिस स्टेशन में मालूम नहीं था क्या, उधर पुलिस स्टेशन में मालूम नहीं था क्या आज आमदार आने वाले हैं, क्योंकि आमदार भी बड़े हैं ना, उनके पीछे उन्होंने उनको बताया भी कर इधर आए क्या आमदार, यही जाब मेरे को पूछना है पुलिस स्टेशन पे जाके, यही सीनियर से मेरे को बात करना है कि आज आमदार ने आपको बताया था क्या इधर आते हैं करके। हम हर एक चीज के लिए हम परमिशन लेना चाहते हैं, हम इधर कोई कायदा सुव्यवस्था का कुछ हम गलत एक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे किया उन्होंने, आमदार ने क्यों किया, तो आपको मालूम था क्या, यही मेरा सवाल है।